ये गर्मी में हम लोग को बहुत ही ठंडे खाने का मन करता है, तो फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम, वो भी हम लोग का फेवरेट चोकोबार आइसक्रीम। तो चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग को बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियोस को अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, एंड आप लोग अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरे वीडियोस को शेयर करना, और आप लोग का जो फीडबैक है और आप लोग को क्या क्या खाने में पसंद है वो मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग को पहले ही चाहिए मिल्क, ये 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ मिल्क पाउडर, दिस इज 1/2 कप कॉन्डेंस मिल्क, दिस इज 1/2 TSP कॉर्नफ्लोर, हम लोग को चाहिए पानी 2 कप्स ऑफ वाटर, बटर, हम लोग को चाहिए चोको चिप्स, और आप चोको चिप्स के बदले में आप चॉकलेट, एनी काइंड ऑफ मिल्क चॉकलेट हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग को चाहिए वनीला, और ये हम लोग का है आइसक्रीम मोल्ड्स। आप लोग के पास जो भी शेप का आइसक्रीम मोल्ड्स है आप लोग वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल ये है तो मैं मिल्क नहीं यूज करती। तो चोकोबार आइसक्रीम ये बनाने के लिए हम लोग को हम आज यूज कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क के बदले में शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कंडेंस मिल्क से जो आइसक्रीम है चोकोबार आइसक्रीम उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो एक्चुअल में जो चोकोबार आइसक्रीम होता है उसमें कंडेंस मिल्क ही जाता है शुगर के बदले में। लेकिन क्या है अगर बहुत लोग के घर में जैसे कि कंडेंस मिल्क नहीं रहता है तो उन लोग इंस्टेड ऑफ कंडेंस मिल्क शुगर यूज कर सकते हैं। और चोकोबार आइसक्रीम का जो मेन बेस होता है वो होता है वनीला, तो वनीला इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो वनीला ज्यादा नहीं डालना है आप लोग के पास, अगर वनीला पाउडर हो या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट हो जो भी हो आप लोग 1 TSP और 1/2 TSP आप डाल सकते हैं। हमारा कंसिस्टेंसी हम लोग को चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए कंसिस्टेंसी हम लोग को ये चाहिए, ज्यादा थिक नहीं ज्यादा पतला भी नहीं, लाइक पोडिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अभी हम इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें ऊपर में जो मक्खन टाइप का है वो हम लोग
नहीं डालेंगे आइसक्रीम बनाने में, और कुछ भी लम्स वगैरह है तो वो हम लोग इसमें छान लेंगे, उसके बाद ही हम मोल्ड में डालेंगे। तो ये देखिए हम लोग दूध को छान लिए और ऊपर का जो क्रीम है ये देखिए ये जाएगा, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, ऊपर का जो मिल्क का जो ऊपर में जो क्रीम है ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मिल्क को यूज करेंगे। ये जा साइड में, ये हमारा दूध। ये हो गया हमारा आज का शोकोबार आइसक्रीम। तो अभी हम इसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट करेंगे करीब 8 to 9 hours, उसके बाद हम लोग चॉकलेट का जो ऊपर का जो कोटिंग है वो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट डे आई एम बैक अगेन विद माय प्रीवियस डे रेसिपी चोकोबार। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट डिप, जिसमें हम चोकोबार को डिप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चोकोबार का जो फर्स्ट जो स्टेप है वो ऑलरेडी रेडी है, तो अभी हम उसको फ्रिज से नहीं निकालेंगे, अभी हम डिप बनाएंगे चॉकलेट डिप। देन एक एक करके हम चोकोबार को निकालेंगे और चॉकलेट में डिप करेंगे और फिर हम फ्रिज में उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। एक साथ आप चोकोबार को फ्रिज से ना निकालें, ये मेरा ओपिनियन है। एक एक करके आप चोकोबार को फ्रिज से निकालिए, चॉकलेट में डीप करें, फिर आप रेफ्रिजरेट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम एक सॉस पैन में थोड़ा पानी ले लेंगे, उसको हम बॉईल करेंगे और उसके ऊपर हम एक ओवन प्रूफ एक बोल रखेंगे। तो चलिए, मेरे पास फिलहाल तो टू टाइप्स ऑफ मोल्ड है आइसक्रीम मोल्ड, एक तो है जो पॉप्सिकल मोल्ड्स और एक है मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड्स। तो मैं दिखाती हूँ, ये मेरा सिलिकॉन मोल्ड्स है, मैं इस पे भी बनाई हूँ आइसक्रीम, इसको हम अनमोल्ड करेंगे। See, this is my chocobar. It's perfectly coated with the chocolate. I'm gonna taste my chocobar right now.
परफेक्ट। तो अगर आप लोगों को मेरी चोकोबार की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करना आप लोग का फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल करना। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।